हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है रेवन एंड द लाइट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। इसको शुरू करते हैं। इफ द फार नॉर्थ देयर इज नथिंग बट फ्रोजन स्नो एंड आइस इन ऑल डायरेक्शंस, दूर नॉर्थ की जगह पे फ्रोजन यानी कि जमी हुई बर्फ के अलावा कुछ नहीं था चारों तरफ। द एयर इज सो कोल्ड दैट द पीपल वेयर फर्स टू कीप वार्म, वहाँ की हवा इतनी ठंडी थी कि वहाँ के सारे लोग बालों से भरे कपड़े पहनते थे ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। विद द हाउलिंग विंड्स एंड बाइटिंग फ्रॉस्ट, और वहाँ की हवाएं एकदम, जब आपने देखा होगा जब तेज़ हवा चलती है तो आवाज़ आती है जूं जूं की, तो उसे हाउलिंग विंड्स कहते हैं। और बाइटिंग फ्रॉस्ट का मतलब होता है जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मात्रा में ठंड होती है उसे बाइटिंग फ्रॉस्ट कहते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड जिसका मतलब है। एवरी स्टेप इज ए लेबर ऑफ स्ट्रेंथ, वहाँ पर हर एक कदम बहुत ताकत, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पर हर एक कदम में बहुत ताकत लगती थी। This freezing, unwelcoming land is what the Inuit people call home. This freezing, यानी कि इसी जमे हुए unwelcoming land पे, यानी कि जहाँ पे कोई ना चाहे, जो किसी का स्वागत नहीं करता, is what the Inuit people call home. उसे ही जो Inuit होते हैं, Inuit वो होते हैं जो नॉर्थ, आपने देखा होगा जो आर्टिक में जो लोग रहते हैं वो Inuit होते हैं, तो Inuit उन लोगों को कहते हैं जो आर्टिक में रहते हैं। तो ये लोग लैंड, अनवेलकमिंग लैंड इज वॉट द Inuit पीपल कॉल होम, यानी कि ऐसा मतलब ऐसी ज़मीन जो कभी किसी का स्वागत नहीं करती, उसी को इन्यूट लोग थे, आर्टिक के लोग थे, उसको अपना होम कहते थे, अपना घर कहते थे। वंस दिस फ्रीजिंग डेजर्ट्स ले इन टोटल डार्कनेस ऑल ईयर राउंड, एक देखो ये कह रहा है कि ये जो जमे हुए रेगिस्तान थे उनके अंदर पूरे साल अंधेरा रहता था। द इन्यूट फाउंड द डार्क इवन वर्स देन द कोल्ड, जो वहाँ के आर्टिक के लोग थे उन्हें लगता था कि जो डार्क है वो ठंड से भी ज़्यादा बदतर चीज़ है। इन द डार्कनेस दे हैड टू बिल्ड टू द इग्लूज, फिश एट आइस होल्स एंड हंट पोलर बियर्स, उन्हें अंधेरे में ही अपने इग्लूज बनाने होते थे। इग्लू एक ऐसा घर होता है जो बर्फ की ईंटों से बना होता है, वो होता है पूरे ओवल शेप में, फिश एट आइस होल्स, और उन्हें जमी जब किसी तालाब के ऊपर बर्फ की एक लेयर जम जाती तो उसे काट के उसमें से उन्हें फिशिंग करनी होती थी ताकि वो मछली पकड़े खा सके, और हंट पोलर बियर्स और पोलर बियर को मार सकें। पोलर बियर वो भालू होते हैं जो आर्टिक में रहते हैं। टाइम वॉज मीनिंगलेस, वहाँ पे समय का कुछ पता ही नहीं लगता था। इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल टू टेल वेदर इट वॉज मॉर्निंग और नाइट, वहाँ पे ये कहना मुश्किल था कि अभी सुबह हो रही है या रात हो रही है। द डार्कनेस जस्ट वेंट ऑन एंडलेसली, वहाँ का जो अंधेरा था वो ऐसे बिना खत्म हुए चलता ही था। एज ए वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द क्रशिंग ब्लैकनेस अराउंड देम, तो यानी कि एक कोई ऐसा तरीका जिससे वो उस मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे वो बड़ी काले अंधेरे से भाग उसके आसपास से दूर भाग सकें। द इनुइट लाइक टू स्पेंड टाइम इंडोर्स टेलिंग स्टोरीज, जो आर्टिक के लोग थे उन्हें ज़्यादातर घर के अंदर रहना और एक दूसरे को स्टोरी बताना पसंद था। हडल्ड अराउंड ए स्मॉल फायर, और वो एक छोटी सी आग के चारों तरफ घूमते रहते थे। हडल्ड का मतलब होता है बैठ जाना, मतलब उसके आसपास बैठ जाना या घूमना हल्का सा। देयर फेसेस लिट बाय द फ्लेम, और उनके चेहरों पर आग की चमक लगती रहती थी। दे वुड ड्रीम, वो ऐसा सपने में सोचते थे। द बेस्ट स्टोरी टेलर वॉज द इन्यूट फ्रेंड्स रेवन, तो उनमें से सबसे अच्छा स्टोरी बताने वाला, कहानी बताने वाला जो था वो था इन्यूट्स का दोस्त, यानी कि उनका जो आर्टिक के लोगों का दोस्त जिसका नाम था रेवन। रेवन हैड कम फ्रॉम ए फार अवे प्लेस, जो रेवन था वो कहीं वो दूर जगह से आया था। फर्दर देन द इन्यूट कुड ट्रिक ट्रैक ऑन देयर स्नो शूज, वो इतनी दूर से आया था जहाँ पे जो इन्यूट थे वो अपने स्नो शूज पहनकर कहीं जा वहाँ तक जा भी नहीं सकते थे। ही टोल्ड ऑफ साइट्स एंड साउंड्स दैट दे हैड नेवर सीन और हर्ड, वो उन आवाज़ों और उन सीन को बताता था जो इन्यूट ने कभी ना तो सुनी थी ना देखी थी। फिर है वेयर आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ। इट इज़ ब्राइट ड्यूरिंग द डे एंड डार्क ओनली एट नाइट, मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे सुबह तो दिन निकलता था और रात सिर्फ रात के समय ही होती थी। द ब्राइटनेस इज मोर ब्रिलियंट देन योर फायर्स एंड लैम्प्स, जो ब्राइटनेस थी वो इससे तो कहीं कहीं गुना अच्छी थी, जितने तुम्हारी आग से और लैम्प से कहीं गुना अच्छी थी। इट लाइट्स अप एवरीथिंग एज फार एज द आई कैन सी, वो हर एक जगह को जगमगा देती थी जहाँ तक तुम देख सकते हो। एंड फ्लड्स द वर्ल्ड विद फैंटास्टिक कलर्स, और वो धरती के अंदर रंग भर देती थी, बहुत अच्छे अच्छे रंग भर देती थी, फैंटास्टिक कलर्स। आई हैव सीन ग्रीन ग्रास, मैंने हरी घास को देखा है। रेड रूफ टॉप, और मैंने लाल रंग के छतों को भी देखा है। पर्पल माउंटेन्स, और मैंने पर्पल कलर के पहाड़ भी देखे हैं। येलो बीचेस, और मैंने येलो कलर के बीचेस देखे हैं। ब्लू सीज, और नीले समुद्र देखे हैं। पिंक फ्लावर्स, और मैंने गुलाबी फूल भी देखे हैं। ब्राउन एनिमल्स, और
ब्राउन यानी कि जो भूरे जानवर है मैंने वो देखे थे, और संतरे रंग की यानी कि ऑरेंज कलर की फिश भी देखी है मैंने। द डे लाइट बी ब्रिंग्स हीट, जो डे लाइट थी वो गर्मी पैदा करती थी, वो अपने साथ गर्मी लाती थी। टू माने आई हैव बास्केट एंड बाथेड इन वार्म ब्रीजेस, मैं गर्म हवाओं के अंदर नहाया हुआ हूँ। आई हैव फेल्ट द थ्रिल ऑफ स्वूपिंग डाउन इन टू चिल शेडोज, और मैंने ठंडी ठंडी छाया के अंदर आराम भी किया है। एंड देन सोरिंग आउट इन टू ब्लेजिंग ब्राइटनेस, और फिर मैं बाहर चमकती हुई रोशनी में, मतलब जलाती हुई रोशनी में भी निकला हूँ। द इनुइट नेवर टायर्ड ऑफ हियरिंग रेवन टॉक अबाउट डे लाइट, जो वहाँ के आर्टिक के लोग थे उन्होंने ना तो कभी जो रेवन बताता था उसके बारे में वैसी डे लाइट को देखा था ना सुना था, कोई वहाँ जैसी उसने बताई थी वैसी कोई आवाज़ ना सुनी थी। हाउ वंडरफुल इट साउंड, वो कितना अच्छी आवाज़ें होंगी। बट रेवन्स हर्ट ग्रू हैवी विथ सैडनेस बिकॉज हिज फ्रेंड्स कुड नॉट सी डे लाइट फॉर देमसेल्फ, जो रेवन का हार्ट था वो सैडनेस की वजह से यानी कि दुख की वजह से भारी हो गया था, क्योंकि उसके जितने भी दोस्त थे उन्होंने किसी ना तो डे लाइट को देखा था। ही बिगेन टू वंडर इफ देयर वॉज ए वे टू ब्रिंग देम सम। बाद में वन डे, एक दिन रेवन साइलेंटली फ्लू इन टू द डार्कनेस, जो रेवन था वो चुपचाप से अंधेरे में ही उड़ पड़ा, डिटरमाइंड टू फाइंड डे लाइट को ढूंढते हुए, एंड ब्रिंग सम बैक फ्रॉम द इनुइट, और ताकि वो उस डे लाइट को वापस ला चुके अपने दोस्तों के लिए। रेवन फ्लू एंड फ्लू फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर अंटिल हिज बीक वॉज फ्रोजन, वो तब तक उड़ता गया जब तक उसकी चोंच जम नहीं गई। हिज विंग्स एक्ड एंड हिज आईज ग्रू टायर्ड ऑफ पियरिंग इन टू द डार्कनेस, वो उसके पंखों में दर्द होने लगा और उसकी आंखें थक गई इतनी अंधेरे को देखते देखते। ही बिगैन टू वरी दैट ही माइट ड्रॉप विद कोल्ड एंड एक्सकर्जन बिफोर मेकिंग इट टू द डे लाइट लैंड, वो अपनी चिंता करने लगा कि मैं मतलब डे लाइट तक पहुँचने से पहले ही ठंड की वजह से मारा ना जाऊँ। द इनुइट हैड बीन सो गुड एंड काइंड, जो वहाँ आर्टिक के लोग थे वो बहुत अच्छे थे और भोले थे। दे हैड बिकम फ्रेंड वेन ही हैड एक्सीडेंटली फ्लोड इन टू देयर डार्क एंड फ्रोजन वेस्ट एंड गॉट लॉस्ट, इंस्टेड ऑफ शूटिंग हिम फॉर फूड द इनुइट हैड जेट लेट हिम रेस्ट बाय देयर फायर्स शेयरिंग देयर फिश एंड सील मीट विद हिम, उन्होंने उसको मारने के बजाय उसको आग के सामने बिठा के उसका ठीक खोने दिया और अपना सीला हुआ मांस उसको खिलाया। रेवन हैड नेवर हैड कंपेनशिप लाइक दिस बिफोर, नाउ इट वॉज हिज टर्न टू डू समथिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, अब उसकी बारी थी कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ करे। सपोज्ड ऑन ही केप्ट फ्लाइंग फर्दर एंड फर्दर अंटिल फाइनली द डार्कनेस एंड कोल्ड बिगेन टू फेड, वो अब फिर उड़ता गया जब तक कि सारी ठंड और अंधेरा कम धुंधला ना होता गया। ग्रेजुअली वार्मथ सराउंडेड हिम, और धीरे धीरे उसके आसपास गर्मी होने लगी। एंड द कलर्स ऑफ द अर्थ फ्लोडेड हिज विजन, और जितने भी धरती पे रंग थे वो उसकी आंखों में दिखने लगे। ही हैड अराइव्ड इन द डेलाइट लैंड, वो जगमगाती रोशनी के लैंड पे पहुंच चुका था। रेवन सर्कल्ड अराउंड ओवर द लैंड लुकिंग फॉर वेयर द डेलाइट माइट कम फ्रॉम, वो इधर उसने एक सर्कल गोला बनाया और देखने लगा कि ये डेलाइट आती कहाँ से है। ही पिक्ड आउट द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट हाउस फॉर माइल्स अराउंड, उसने एक बड़े और पुराने घर को देखा एंड स्वूप डाउन, और नीचे आ गया। हुएवर ओन द लार्जेस्ट ग्रैंडेस्ट हाउस मस्ट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पता नहीं ये इसको किसने लिया होगा, वो इतने बड़े और इतने पुराने घर को वो जिसने इसे लिया होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट यानी खास इंसान होगा। एंड श्योरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वुड बी इन चार्ज ऑफ द डे लाइट, और तभी सही तरीके से जो जरूरी इंसान था वो रोशनी का देवता था, एक तरीके से हम देवता ही कह सकते हैं। लैंडिंग ऑन द विंडो, जो विंडो से देख रहा था वो उसकी विंडो पे जाकर बैठ गया खिड़की पे। रेवन पीयर्ड इनसाइड, रेवन अंदर गया। ही सॉ ए लिटल बॉय, उसने एक छोटे बच्चे को देखा, एन ओल्ड मैन, और एक बूढ़े आदमी को। रैप्ड इन ए रिची कलर्ड क्लोथ, जो रंग बिरंगे कपड़ों के अंदर पैक थे यानी कि उनके अंदर थे। डेकोरेटेड द बेड्स, और उनके कलर्ड क्लोथ डेकोरेटेड विद बेड्स, और उनके बेड पे भी सुंदर सुंदर कलर रंग के कपड़े बिछे हुए थे। When the chief wasn't looking, Raven flew inside. जब वो चीफ देख नहीं रहा था तब रेवन अंदर की तरफ उड़ के चला गया। द लिटल बॉय वॉज डिलाइटेड एट द आइडिया, और लिटल बॉय के उसके आइडिया के बारे में पता लग गया। ग्रैंड फादर मे आई प्ले विद ए पीस ऑफ डे लाइट, उसने अपने
उसने अपने दादा से पूछा कि मैं इस एक रोशनी के पीछे खेल सकता हूँ। ही क्राइड, उसने जिद करके कहा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में और उसका पार्ट टू के साथ आएंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं उस रेवन एंड द लाइट ऑफ सोर एंड द सोर्स ऑफ लाइट का पार्ट टू। तो हमने पिछली बार हमने यहाँ तक हो चुका था हमारा, और सेकेंड पार्ट में अब हमारा है ये डे लाइट इज फार टू प्रीशियस टू बी प्लेड विद। जो डे लाइट है वो इतनी प्रीशियस है कि उसे खेला नहीं जा सकता। माय बॉय, मेरे बेटे, परहैप्स आई कैन टेल यू स्टोरी अबाउट माय ग्रेट एंसेप्टर्स, ग्रैंडफादर ऑफर्ड, बट हिज ग्रैंडसन डिडंट वांट टू हियर स्टोरी। बस उसके पर उसके पोते को कहानी नहीं सुननी थी। आई वॉन्ट ए पीस ऑफ डे लाइट, मुझे एक रोशनी का टुकड़ा चाहिए। द चाइल्ड हाउल्ड, बिगनिंग टू क्राई, उसने वो चिल्लाया और रोने लगा। द लिटल बॉय सोबल्ड एंड gulped and moaned and wouldn't stop even though his grandfather hugged him and promised him all sorts of treats. At last the chief could stand it no longer, aur aakhir mein jo chief tha wo uske aage zyada der nahi tik paya. He reached up, snapped off a piece of daylight and tied it on a long string. Wo upar gaya aur ek daylight ka chota sa piece le aaya aur use ek string se bandhkar उसे एक धागे से बांधकर उसे दे दिया। एज ही हैंडेड द स्ट्रिंग टू हिज बीमिंग ग्रैंडसन, उसने उस स्ट्रिंग को अपने पोते के हाथों में दे दिया। रेवन स्वूप डाउन एंड ग्रैबल्ड इट इन हिज बीक, रेवन एकदम से नीचे आया और उसने उस स्ट्रिंग को अपनी चोंच में पकड़ लिया। ही स्पेड आउट ऑफ द विंडो हेडिंग नॉर्थवर्ड्स अक्रॉस द स्काइज, वो विंडो पर से बाहर निकल गया और नॉर्थ के आसमानों की तरफ बढ़ने लगा। आउट ऑफ द डार्कनेस द इन्यूट सॉ ए स्ट्रेंज ग्लिमर अपेरेंस अबव देम, बड़े घनी अंधेरे में इन्यूट को अंटार्कटिक के लोगों को एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखी उनके ऊपर। इट स्प्रेड एंड ग्लोड ब्राइटर, वो फैली और चमकी ब्राइटर, मेकिंग द स्नो एंड आइस ग्लिटर, और उसने बर्फ को चमका दिया। ऑल राउंड, चारों तरफ। सडनली दे सॉ रेवन, तभी अचानक से उन्होंने रेवन को देखा फ्लाइंग क्लोजर विद ए पीस ऑफ डेलाइट, उनके पास उड़कर आता हुआ एक डेलाइट के पीस के साथ। बाय द टाइम ही अराइव, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, देयर एंटायर वर्ल्ड, उसे पूरा वर्ल्ड दिखा। वॉज ब्राइट एंड फुल ऑफ लाइट, उसे वो पूरा वर्ल्ड ब्राइट एकदम चमकता हुआ साफ और रोशनी से भरा हुआ दिखा। डेलाइट वॉज इवन मोर वंडरफुल दैट दे हैड इमेजिन, जो डेलाइट थी वो उससे कहीं गुना अच्छी थी जितना उन्होंने सोचा था। एवर सिंस देन द पीस ऑफ डेलाइट हैज बीन एनफ टू लाइट द इन्यूट लैंड्स फॉर हाफ ऑफ एवरी ईयर, द इन्यूट हैव टू स्पेंड ओनली विंटर इन डार्कनेस, जो वहाँ के इन्यूट आर्टिक के लोग थे उन्हें बस सर्दियाँ ही अंधेरे में गुजारनी पड़ती थी। एंड थैंक्स टू देयर फ्रेंड रेवन, और उन्होंने अपने दोस्त रेवन को शुक्रिया कहा। तो अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं जो कि है यहाँ पर। रेवन का मतलब होता है ए ब्लैक बर्ड, एक काली चिड़िया। बाइटिंग फ्रोस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा। इन्यूट का मतलब होता है रियल पीपल, दे आर एस्किमोस हु लिव इन आर्टिक रीजंस। इन्यूट वो लोग होते हैं जो आर्टिक रीजंस पे रहते हैं, जो आर्टिक के लोग होते हैं उन्हें इन्यूट कहते हैं। स्पर्ड ऑन, एनकरेज टू डू समथिंग, स्पर्ड ऑन का मतलब। स्वूप डाउन का मतलब होता है फ्लू डाउन क्विकली। पियर्ड का मतलब होता है लुक्ड केयरफुल। राफ्टर का मतलब होता है ए स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स द रूफ। ग्लिमर का मतलब होता है शाइन, चमकना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना काफी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।